हजारों साल से बिना रुके, बिना थके अपने पथ पर चल रही हूँ। मैं तब भी थी जब आप लोग नहीं थे, और मैं तब भी रहूंगी जब आप लोग नहीं रहेंगे। पर अब ऐसा लगता है कि मैं थक रही हूँ, आपकी धरती माँ थक रही है। खेतों में इस्तेमाल किए गए रसायनों एवं रासायनिक खाद से पानी और हवा में जहर घुल रहा है, और मैं थक रही हूँ। खेतों में इनके छिड़काव से मेरी मिट्टी वैसे ही जलती है जैसे आपके शरीर पर कोई तेजाब डाल दे। मेरे बच्चों को तो मेरे दुख का अंदाजा भी नहीं। मेरी मिट्टी बंजर हो रही है, मिट्टी के पोषक तत्व खत्म हो रहे हैं, रसायनों से मेरा शरीर मिर्च की तरह जल रहा है, मेरे फसलों की पैदावार कम हो रही है, मैं धीरे धीरे थक रही हूँ। लेकिन मुझे याद आता है, पहले मैं बहुत सुंदर थी, बहुत प्रसन्न थी, हमेशा हंसती थी। मुझे आज भी याद है। पुराने जमाने में आप लोग ही तो थे जो अपनी माँ के रखवाले थे। आप लोग प्राकृतिक खेती करते थे। आप जानते थे कि प्राकृतिक खेती परंपरा भी है, जरूरत भी है, और फिर हमारी सभ्यता में तो प्रार्थना भी धरती कल्याण की है। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, औषधया शांति, वनस्पतया शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, सबका कल्याण हो। नदियाँ, जंगल, झरने, पर्वत रखना इन्हें सवार के, इनको रौंदा तुम न बचोगे, धरती कहे पुकार के। बेमौसम की वर्षा होती, कहीं पे मिट्टी बंजर बनती, बंजर मिट्टी और भी तपती, धरती कहे पुकार के। हजारों साल से मनुष्य धरती की गोद में रहता आया है। धरती माँ ने आपको सब कुछ दिया, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने अपनी धरती माँ को क्या दिया? ये जहरीले रसायन, अप्राकृतिक खाद जो मिट्टी को बंजर कर रहे हैं, उर्वरकता को